हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 17 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस, फिर देखते हैं हमारी न्यूज़। पहला जो क्वेश्चन है ना, वो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन ये है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के जो 8 मिशन है ना, उसमें से इनमें से कौन सा है जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, जो इसका पार्ट नहीं है। मतलब इसमें 8ों में से कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन है जो कि इसका पार्ट नहीं है। तो देखो, हम नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में देख लेते हैं। नेशनल एक्शन प्लान जो क्लाइमेट चेंज है ना, इसमें बेसिकली 8 मिशन है। पहला तो है नेशनल सोलर मिशन, जवाहरलाल सोलर मिशन के नाम से भी इसको मैनली जानते हैं। सेकंड है नेशनल मिशन ऑन एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। थर्ड मिशन है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। चौथा है यहाँ पे नेशनल वाटर का मिशन। और पाँचवा है यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल द हिमालय इकोसिस्टम। छठा है नेशनल मिशन फॉर द ग्रीन इंडिया। और सातवां है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और आठवां है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो देखो, ये आठों के आठों में ध्यान में रखना है। यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है वो आजकल काफ़ी हमेशा ही गर्मा गर्मी में रहता है। तो हमें ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल एक्शन प्लान जो क्लाइमेट चेंज चलाया गया है, इसमें 8 छोटे छोटे मिशन या 8 मिशन रखे गए हैं। तो आप आराम से इसका आंसर है वो एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि यूएसए के द्वारा अभी कौन सी कंट्री की जो आर्मी या कौन सी कंट्री की जो फॉरेस्ट फोर्स है, इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया है। तो देखो, आपको पता है, एक बार आप सोचिए कि यूएसए किसके साथ ज़्यादा नहीं बनती है। आपको पता है कि अभी सबसे ज़्यादा यूएसए की बिल्कुल नहीं बनती है ईरान के साथ। तो ऑब्वियसली यूएसए ईरान के खिलाफ ही ऐसे एक्शन ले सकता है, और वैसे भी इसका आंसर ईरान ही है। तो ये आपको फिर ध्यान में रखना है कि ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड, इनको अभी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया है यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है आनंद मठ को लेके। देखो, क्वेश्चन ये है कि आनंद मठ, जो कि एक सेमी हिस्टोरिकल नॉवल है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, यह किसके ऊपर बेस्ड है? क्वेश्चन साफ साफ ये पूछ रहा है कि आनंद मठ जो नॉवल है ना, वो किसके ऊपर लिखा गया है। ये देखो, लिखा गया है सन्यासी रिवोल्ट, जो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था उसके ऊपर आनंद मठ है वो लिखा गया है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। अब देखते हैं आज के जो हमारी न्यूज़ है वो। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा प्रिपेयर आज हो नहीं पाए। पहला जो क्वेश्चन है वो है निर्भया मिसाइल को लेके। सॉरी, पहला जो हमारा आज का आर्टिकल है वो है, कंटेक्स्ट यह है कि इंडिया ने अभी सक्सेसफुली निर्भया जो मिसाइल है, इंडिया की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका अभी सफल एक्सपेरिमेंट या टेस्टिंग की है। तो इसके कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं निर्भया मिसाइल को लेके। देखो, पहली बात तो यह है कि एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये ध्यान रखना है, सबसोनिक है और क्रूज मिसाइल है, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप की गई है? ओब्वियसली इंडिया में मैक्सिमम मिसाइलें डेवलप की जाती हैं डीआरडीओ के द्वारा ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। इसी के साथ ही इसको मल्टी प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। मतलब हम बात करें कि जैसे न्यूक्लियर वॉरहेड भी लेके जा सकती है, इसे बस जो नॉर्मली ट्रक वगैरह से भी लॉन्च किया जा सकता है, या फिर जो और भी तरह के आर्मी के व्हीकल्स होते हैं वहाँ से भी इनको लॉन्च है वो किया जा सकता है। मतलब काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से इसको लॉन्च है वो किया जा सकता है। इसके साथ ही 2 स्टेज मिसाइल है जो कि सॉलिड रॉकेट मोर्टार बूस्ट के ऊपर काम करती है। मतलब इसमें फ्यूल है वो सॉलिड फ्यूल काम में होता है। इसमें जो वॉरहेड ले जाने की कैपेसिटी है वो होती है 300 kg, और इसकी स्पीड है वो है 0.6 to 0.7 Mach, यानी सबसोनिक रेंज में है। सबसोनिक रेंज का मतलब ये होता है कि वो विमान या फिर वो स्पीड जो कि 1 Mach से कम होती है, मतलब 1 Mach से कम वाली जो स्पीड है ना वो सबसोनिक होती है। और इसकी जो रेंज है, इंपॉर्टेंट है रेंज, इसकी ध्यान रखना 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर की रेंज हो गई, यानी लॉन्ग रेंज हो गई है। और ये बेसिकली यूएसए की एक मिसाइल है जिसका नाम है अमेरिकन टोमाहॉक, उसी का इंडियन वर्जन है। मतलब अमेरिकन टोमाहॉक है वो भी कुछ ऐसी ऐसी मिसाइल है, और उसी तरह की इंडिया ने निर्भय मिसाइल है वो बनाई है। तो यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट वगैरह कई बार पूछ लेती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है बीबीआईएन इनिशिएटिव। बीबीआईएन का मतलब है बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल इनिशिएटिव। ये तो हो गया हमारा नेपाल, ये हो गया इंडिया, ये हो गया भूटान, और ये हो गया यहाँ पे बांग्लादेश। तो ये होगी आपने जो चारों चारों कंट्रीज आप बोल सकते हो। इन कंट्रीज़ के बीच में देखो ट्रेड है, इसको स्मूथली रन आउट किया जा सके, आपस में पीपल टू पीपल टाइज हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। इन सब के लिए बेसिकली 2015 में क्या हुआ था, बांग्लादेश भूटान इंडिया और नेपाल के जो हम बात करें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स थे, इन्होंने भूटान के अंतर एक एग्रीमेंट साइन किया था। कौन सा? बीबीआईएन 2015 में। और इस एग्रीमेंट का मोटो का था वो मैंने आपको बता दिया कि आपस में जो कंट्रीज़ हैं इनमें जो व्हीकल्स वगैरह हैं उनकी आराम से आवाजाही हो सके, जिससे ट्रेड सुनिश्चित हो सके। तो इसके लिए ये एग्रीमेंट है वो साइन है वो किया गया था। तो देखो,
तीन कंट्री ने तो इसको रेक्टिफाई कर दिया, बांग्लादेश ने भी इसको रेक्टिफाई कर दिया, इंडिया ने और नेपाल ने भी इसको रेक्टिफाई कर दिया, बट भूटान ने अभी तक इसको रेक्टिफाई है ना वो नहीं किया था। तो इसी को लेके अभी न्यूज़ ये आई है कि भाई भूटान के अंदर वहाँ की जो गवर्नमेंट के अंदर जो अपर, हम बात करें एक तरीके से, मतलब भूटान के अंदर जो बिल है ना इसको वहाँ की जो ओपन सेनेटरी सेनेट है इसके पास भेजा जा रहा है। जैसे कि इंडिया में भी आपको पता है सेनेट होती है, उसी तरीके से वहाँ भी सेनेट है, वो तो अपर सेनेट के पास बिल जाएगा। तो बस उसी को लेकर है, मतलब वहाँ पे जब तक देखो वहाँ की पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा तब तक भूटान इसको एक तरीके से रेक्टिफाई नहीं कर सकता। तो वहाँ भी इसको लेके अगर मतलब जल्दी से इसको पास करवाने की बात है वो चल रही है। देखो आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन के लिए अगर हमें कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो इन कंट्री के साथ अगर हमारा टाइप होता है मोटर व्हीकल का तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे होगा चिकन नेक कॉरिडोर, काफ़ी पतला सा स्ट्रेस है, यहाँ से नॉर्मली हमारी नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी है वो होती है। तो इसीलिए इंडिया भी चाहता है कि भाई आपस में इन कंट्रीज के बीच में ट्रेड स्मूथली हो सके। नहीं देखो नॉर्मली ट्रेड में क्या होता है, जैसे मान लो कि बिहार से कोई भी सामान हमें भेजना है नेपाल में, या बोल लो कि भूटान में भेजना है, मान लो थिम्पू में कोई सामान हमें भेजना है, तो होता क्या है कि हमारे जो ट्रक है वो केवल भूटान के बॉर्डर तक जा सकते हैं। तो फिर वहाँ पर सामान अनलोडिंग करो, फिर भूटान के ट्रक वहाँ से वापस सामान को लोड करेंगे तो वह सामान थिम्पू पहुँचेगा। तो इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बट अगर एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो क्या होगा, जो ट्रक है वो बिहार से आराम से सीधा भूटान के अंदर थिम्पू में जा सकते हैं, फिर बांग्लादेश में नेपाल में आपस में कहीं भी आना जाइए वो कर सकते हैं, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाएगी और इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी फायदा है वो होगा। तो इसमें रेल कनेक्टिविटी भी है और रोड कनेक्टिविटी भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। यूपीएससी पूछ बोल सकती है कि ओनली रोड कनेक्टिविटी है, तो नहीं भाई ओनली रोड कनेक्टिविटी नहीं है, रेल कनेक्टिविटी को भी इसमें सुनिश्चित है वो किया गया है। नेक्स्ट जो एक मुस्लिम कम्युनिटी को लेके आया है वो है उइघुर कम्युनिटी। ये उइघुर जो कम्युनिटी है ये कहाँ पे है, यूपीएससी पूछ सकती है बेसिकली। देखो चाइना का जो जिनजियांग प्रोविंस या जिनजियांग जो प्रांत है ना उसके में अंदर ये कम्युनिटी मेनली रहती है, और ये जो कम्युनिटी है उइघुर कम्युनिटी ये बेसिकली सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज या सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ इनके मतलब कल्चर रिलेशन है या एथिकल है वो काफ़ी क्लोज है, क्योंकि वहीं पर काफ़ी क्लोज है वो रहती हैं। तो अभी जो उइघुर कम्युनिटी है इसको मतलब कुछ प्रताड़ित करने के आरोप भी लगे थे चाइना पे, तो यूपीएससी पूछ सकती है कि भाई कम्युनिटी कहाँ पे है। जिस तरीके से रोहिंग्या कम्युनिटी कहाँ पे है, रोहिंग्या भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो कहाँ पे है, म्यांमार में है, म्यांमार के राहिन प्रांत, जिसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया था कि म्यांमार का जो राहिन प्रांत है वहाँ पे बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी है एक रोहिंग्या, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर वहाँ पे किया गया था, तो वो काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है सरस्वती सम्मान को लेके। देखो तो यूपीएससी नाम पे मेनली फोकस नहीं करती है कि सरस्वती सम्मान अवार्ड है वो किसको दिया गया वगैरह है, ये तो कुछ स्टेट पीसीएस या फिर जो एसएससी एग्जाम वगैरह में नॉर्मली आता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना कि सरस्वती सम्मान किसको तो दिया जाता है और किस एरिया में है। तो देखो इसमें दो चार फैक्ट के हैं, पहली बात तो ये कि एक एनुअल अवार्ड है सरस्वती सम्मान, और यह उस पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने अपना लिटरेचर सेक्टर में, लिटरेचर मतलब साहित्य सेक्टर में अपना अद्वितीय योगदान है वो दिया है। अब साहित्य की हम बात करें तो वो लैंग्वेज या वो भाषा जो हमारे शेड्यूल 8वें के अंतर्गत दी गई है, शेड्यूल 8 में जो जो लैंग्वेज हैं उनका जो साहित्य है उसमें किसी भी पर्सन ने अपना काफ़ी अद्वितीय कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसको इस अवार्ड से नवाजा है वो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बेसिकली इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, और साहित्य सेक्टर का सबसे बड़ा अवार्ड है जो आपको ध्यान रखना है, इसमें लग 15 लाख रुपए हैं वो दिए जाते हैं, और इसी के साथ ही एक जो मतलब प्रशस्ति पत्र है वो भी दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किया जाता है के बिरला फाउंडेशन लिटरेचर एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप ध्यान रखना, बस दो तीन फैक्ट हैं किसको दिया गया है, वो नाम वगैरह पे यूपी से ज़्यादा फोकस है वो नहीं करती हैं। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।